नमस्कार दोस्तों, चेतना मंच के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से कराएंगे जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, मारवा स्टूडियो के फाउंडर, EAFT के फाउंडर, नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर और साथ ही ऐसे बहुत सारे कारनामे, प्रोड्यूसर आप बोल सकते हैं, राइटर, जर्नलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर संदीप मारवा जी, स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार सर, हमने काफ़ी रिसर्च किया हमारी टीम ने। 1986 में जब पहली बार आपने दिल्ली गवर्नमेंट को आपने प्रपोज किया दिल्ली फिल्म सिटी के, उससे पहले का हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दें, उससे पहले कहाँ कैसे आप? देखिए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ बड़ा हुआ, दिल्ली में स्कूल और कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, इन तमाम क्रिएटिव आर्ट्स के साथ रहा। स्कूल में मैंने अच्छा नाम कमाया, सबसे अग्रसर रहा। कॉलेज में भी मेरा वही हाल रहा, तकरीबन सभी कमेटियों का मैं चेयरमैन रहा और कॉलेज में ही मैंने प्रोफेशनल थिएटर शुरू कर लिया और एक अच्छे खासे थिएटर ग्रुप के साथ, जिसमें हमारे बड़े चर्चित लोग जैसे नादरा जहीर, जो बाद में नादरा बब्बर हुई, राज बब्बर, पंकज कपूर, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, ये हमारा एक ग्रुप था। तो हम लोग थिएटर किया करते थे और वो मज़े की बात तो ये है कि सभी लोग फिल्मों में आ गए और थिएटर से लगाव फिर फिल्मों की तरफ और ज़्यादा बढ़ा। फिल्म भी मैंने 2-3 साइन की, लेकिन मेरा रुझान दिल्ली की तरफ ही था। मुझे लगता था कि दिल्ली छोड़कर क्रिएटिव आर्ट्स के लिए मैं बम्बई क्यों जाऊँ, और शायद यही वजह थी कि 1986 में मैंने दिल्ली सरकार को एक फिल्म सिटी की योजना बनाकर दी थी जो उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दी थी। और चाहे वो LND हो, DDO हो, MCDO हो, कोई भी संस्था रही हो, दिल्ली सरकार रही हो, लेकिन किसी को ये फिल्म सिटी का सुझाव जो है भाया ही नहीं, पसंद नहीं आया। ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मुलाकात नोएडा के चेयरमैन से हुई और मैंने उन्हें फिर से एक बार ये प्रपोजल दिया और नोएडा के चेयरमैन ने मेरे ख्याल से पहली बार में ही मुझे हामी भर दी। अच्छा, कि आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा है और हमारे पास जगह भी है। तो ये जो आपके अंदर था कि ये फिल्म के लिए जो काम करने, कॉलेज से ही या फिर उससे पहले से ही आपके? देखिए, स्कूल कॉलेज के अंदर अगर आप क्रिएटिव आर्ट्स में काम करते रहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काम करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कला के साथ आपका रुझान बना रहता है। जी, और यही वजह थी कि जबकि मैंने BCom ऑनर्स किया, MCom किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किया, टैक्सेशन किया, जबकि मेरा रुझान सारा अकाउंट्स की तरफ था, ज़्यादा बिजनेस की तरफ था, लेकिन दिल जो चाहता था कि मैं क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ रहूं, और शायद यही वजह है कि मेरा जो पहला और बड़ा कदम उठा वो फिल्म सिटी की तरफ उठा। तो 1986 में मैंने प्रोजेक्ट दिया, 1987 में जाके पास हुआ, 1988 में अलॉटमेंट हुई और लोगों ने मुझे नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर कहना शुरू कर दिया। अच्छा, ये आप किस कॉलेज से थे दिल्ली में जब आप पढ़ाई? मैंने सरदार पटेल स्कूल से अपनी शिक्षा खत्म की, भगत सिंह कॉलेज से मैंने अपना BCom ऑनर्स किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बाकी तमाम कोर्सेज किए, उसके बाद मैं पढ़ता रहा। अब भी चाहूँ तो, मतलब समय मिले तो आज भी मैं पढ़ता ही रहूँ, मुझे इतना शौक पढ़ने का शौक अभी तक शौक है पढ़ने का। अच्छा, ये जो नोएडा फिल्म सिटी जो कॉन्सेप्ट था वो आप न्यूज़ के लिए सोचे थे या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लिए? देखिए, ये न्यूज़ और ये सेगमेंट जो है ये लोगों के लिए हो सकते हैं, जो फिल्म मेकर है उसके लिए सारा जो कंसेप्ट है वो सिर्फ फिल्म है। फिल्म का मतलब होता है विजुअल मीडिया, यानी जिसका मतलब कि फीचर फिल्म भी हो सकती है, कॉर्पोरेट फिल्म हो सकती है, टेली फिल्म हो सकती है, वो एक डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, एक एडवर्टाइजिंग फिल्म हो सकती है, एक स्टिल फोटोग्राफी भी हो सकती है, क्योंकि फिल्में जो हैं वो स्टिल ही होती हैं कि एक सेकेंड में जब आपके 25 फ्रेम स्टिल के निकल जाते हैं तो वीडियो फिल्म बन जाती है। तो इसी तरीके से लोगों को ये बात शायद कुछ हद तक समझ नहीं आई थी, लेकिन आइडिया ये था कि जहां हम लोग क्रिएटिव काम कर सकें, फिल्म, टीवी, मीडिया का काम कर सकें, आर्ट एंड कल्चर का काम कर सकें, इस वजह से एक फिल्म सिटी की योजना तैयार की गई थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग उसी राह पे चले और आज उसी राह को लेकर आज फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। नोएडा फिल्म सिटी जी, ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 25 एकड़ में 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो से तकरीबन 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में 24 घंटे प्रसारित हो रहे हैं।
करीब 17,000 मीडिया प्रोफेशनल इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में काम कर रहा है 8 घंटे की 3 शिफ्ट में, और जो कास्केडिंग इफेक्ट है तकरीबन 150,000 लोग अपनी रोजी रोटी नोएडा फिल्म सिटी की वजह से आज कमा रहे हैं। मैंने तो अब तक कहीं सुना कि किसी दुनिया की फिल्म सिटी ने इतना काम किया, रोजगार दिया। अच्छा, तो आपको आपको कहीं ये नहीं लगता कि ये जो फिल्म सिटी बनी थी ये इसको फिल्म की तरफ भी जानी चाहिए थी? मतलब यहाँ मैं देखता हूँ फिल्म की तरफ गई ना। ये देखिए, लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर नेशन हैं और हम लोग कुल मिलाकर 2,000 फिल्में बनाते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगाइए सिर्फ 6,000 घंटे का मटेरियल, जबकि टेलीविज़न के लिए हम लोग 1,00,000 घंटे का मटेरियल बनाते हैं जी। तो आपको कहीं भी चले जाइए, बम्बई में भी चले जाइए, बम्बई के भी स्टूडियो में आपको टेलीविज़न प्रोग्राम बनते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे और फीचर फिल्में कम। लेकिन फिल्मों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मैं खुद तकरीबन 125 फीचर फिल्मों के साथ जुड़ चुका हूँ। मारवा स्टूडियो ने एक अच्छा खासा काम किया। अगर मैं अपने स्टूडियो का भी प्रोफाइल बताऊँ तो हम लोग तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए बना चुके हैं, करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ जुड़ चुके हैं, करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का हमने निर्माण किया है, और जो मेरी प्रोडक्शन कंपनी है उसने तकरीबन 3,300 फिल्मों का निर्माण किया है। तो कुल मिलाकर अगर आप हिसाब किताब देखें तो टेलीविज़न के लिए जो विजुअल मीडिया का काम है वो कई ज़्यादा होता है फिल्मों के लिए, लेकिन फिल्म सिटी ही कहलाती है। फिल्म सिटी है। तो इसी तरह बम्बई की जो फिल्म सिटी जो हमसे पहले बन चुकी थी, वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ के 4 स्टूडियो में भी आपको 3 स्टूडियो में टेलीविज़न का काम होता नज़र आएगा, 1 स्टूडियो में फीचर फिल्म का काम नज़र आएगा। ये लोगों को इसका कभी अंदाज़ा ही नहीं था। और ये जो तमाम जो स्टूडियो का काम है वो कुछ भी हो सकता है जो किसी न किसी तरीके से फिल्म, टीवी और मीडिया से जुड़ा हुआ है। आज चैनल के लिए भी आप उसी कैमरे से शूट करते हैं, वही प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर होते हैं, वही सिनेमेटोग्राफर है, वही एडिटर है, वही एक्टर हैं जी। सिर्फ फर्क इतना होता है कि एक को हम बड़े पर्दे पर रिलीज करते हैं और एक को हम छोटे पर्दे पर रिलीज करते हैं। और अब वो फर्क भी खत्म हो गया पैंडेमिक के बाद। अब OTT चैनल आने के बाद फीचर फिल्में भी टेलीविजन पे ही रिलीज हो रही हैं, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। आपने जो पहली फिल्म प्रोड्यूस की देव अंश, तो ये पहली फिल्म आपकी प्रोडक्शन थी जो आप फीचर फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे? नहीं, हम लोगों ने कुछ टेलीफिल्में शुरू उसमें प्रोड्यूस की। सही का तुमने, आघात, निमंत्रण, प्रश्न, ऐसे करके हम लोगों ने 1-1 घंटे की यहाँ से फिल्में बनाना शुरू किया। उस टाइम ये नया ट्रेंड था लोगों को, क्योंकि उन दिनों में फीचर फिल्म की जो परिभाषा थी वो 2 घंटे की फिल्म की परिभाषा थी। आज फीचर फिल्म की जो परिभाषा है वो 90 मिनट हो चुकी है और आने वाले दिनों में अब वो 1 घंटा होने वाली है। तो मैंने 20 साल पहले ही सोच लिया था कि आने वाले दिनों में क्या हिसाब किताब रहेगा, उस हिसाब से फिल्में बनाई जाए। अच्छा, आपको आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की, आप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका भी नाम दर्ज हुआ परसों, 2 दिन पहले ही, और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स के नाम से। तो ये मिलते वक्त ऐसा क्या लगा, कब से आपने इतनी लंबी जो यात्रा रही कि 55,000 शॉर्ट फिल्म्स? हम लोगों ने 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन जो शॉर्ट फिल्में हैं, जो 3,300 फिल्में मैंने अब तक प्रोड्यूस की हैं, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर्स को मौका दिया है और 100 से भी ज़्यादा मुल्कों से ये लोग मेरे पास आए हैं, और ऐसा अब तक दुनिया में किसी भी फिल्म मेकर ने इतने एफर्ट्स नहीं किए हुए। और जब मैंने ये प्रपोजल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को लंदन में दिया तो वो इससे प्रभावित हुए। उन्होंने, ज़रूरी बात है, पूरी देश भर और दुनिया भर में रिसर्च की, उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि भाई हमें आपको सम्मानित करना है और मेरा नाम इस किताब में इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर दर्ज हुआ है जी। अच्छा, ये ट्रेनिंग फिल्म क्या है? मतलब ये ट्रेनिंग फिल्में जो हैं वो हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग चाहे वो न्यूज़ आइटम है, चाहे मल्टी कैमरा सेटअप का प्रोग्राम है, चाहे वो कोई म्यूज़िक वीडियो है, चाहे वो मिज़ॉन सीन्स का कोई एक हिस्सा है, कोई सीन है, कोई डायलॉग एक्सरसाइज है, वो भी हकीकत में उसमें भी समय जाता है, टाइम जाता है, प्लानिंग जाती है, स्टूडियो इक्विपमेंट जाता है, सेटअप जाता है, रिसोर्सेज जाते हैं।
वो भी अपने आप में एक नया मकाम हासिल कर रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी एक नया मकाम हासिल करके। तो ये जो आपको ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम आई है मिक्स, मतलब शॉर्ट फिल्म्स 3300 सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स, सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स 3300 फिल्में, जिसके अंदर कुछ 10-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज हैं और कुछ 5-7 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक की फिक्शंस हैं, जो अब तक शायद किसी भी प्रोड्यूसर ने एक साथ इतने लोगों को लेकर, इतने मुल्कों के लोगों को जोड़कर नहीं किया है। अच्छा, आप अभी मैं देखता हूँ कि आपका ज़्यादा तो जो रुझान है या तो शॉर्ट फिल्म्स या ट्रेनी फिल्म जो भी बताएं, लेकिन बॉलीवुड फीचर्स फिल्म्स के काफ़ी कम उस तरफ आप कभी प्रोड्यूस, बहुत कम फिल्में की, क्यों आप और भी फिल्में? देखिए, फीचर फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, फिर उसके साथ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिल्मों में क्या है कि फिल्म कई बार अपना रूप बदलती है। पहले फिल्म जब प्रोड्यूसर प्लान करता है तो प्रोड्यूसर की होती है, फिर फिल्म जब आगे चलती है तो वो फिर वो डायरेक्टर की हो जाती है, थोड़ी सी और आगे जाती है तो वो एक्ट्रेस की हो जाती है, फिर और आगे जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर की हो जाती है, और उससे आगे जाती है तो फिर ऑडियंस की हो जाती है। तो कितनी डिपेंडेंसी होती है एक आदमी को अपने कार्य को आम जनता तक पहुँचाने के लिए। मुझे लगा कि क्योंकि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि AAFT एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जो हम लोगों ने एक बुटीक इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू किया था, आज वो एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। सरकार ने मुझे उसका चांसलर भी नियुक्त किया है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों का करियर तैयार करना है, उसमें बहुत बच्चों के साथ इस खास तौर पे फिल्म टेलीविज़न और मीडिया ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो मुझे लगा कि शायद मैं इतना समय नहीं निकाल पाऊँ, और अगर समय निकाल भी लूँगा तो हो सकता मैं फिल्म के साथ जस्टिस नहीं करूँगा। तो मैंने कोशिश की कि मैं छोटी फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान दूँ बजाय कि बड़ी फिल्म के। अच्छा, अभी दो सवाल और, ज़्यादा समय लूँगा नहीं सर आपका। एक सवाल कि बॉलीवुड अभी काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, मुझे लगता है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री टेक ओवर तो नहीं बोलेंगे, दोनों एक ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अभी कहीं और कोई और इसको मार्गदर्शन दे ताकि और अच्छे प्लेटफॉर्म, आपको लगता है ऐसा कि बॉलीवुड में? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में हम लोग तकरीबन 2000 फिल्में बना रहे हैं करीब 28 भाषाओं के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कंट्री है ये, और तकरीबन 1 करोड़ लोग इस वक्त हमारी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता है। हाँ। जिसमें से फिल्म और टीवी में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, और जो बॉलीवुड जिसे आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं, वो आज भी देश भर और दुनिया भर के अंदर हमारे पूरे हिंदुस्तान के कल्चर का एक एम्बेसडर गिना जाता है। जी। और आज भी मैं तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होके आ चुका हूँ, और मैंने देखा है कि हिंदी फिल्मों को और हिंदी फिल्मों के सितारों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वही ज़्यादा पुकारे भी जाते हैं। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये एक फेस हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं, जबकि तमिल, तेलुगु, मलयालम ये फिल्में बहुत अच्छी हैं, चर्चित हो रही हैं, इनमें अच्छा काम कर रही हैं, इनको रेडी एक ऑडियंस मिलती है, क्योंकि एक छोटा सा एरिया और उसके वो टूट पड़ते हैं जैसे भी कोई एक नई फिल्म आती है। हिंदी का एरिया बहुत बड़ा है और उसकी लागत भी बहुत बड़ी है हिंदी फिल्मों की, लेकिन ये फेस हो सकता है जिसमें आपको ये लगा हो, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी फिल्मों ने हिंदी भाषा को देश भर ही नहीं बल्कि 162 मुल्कों के अंदर चर्चित किया है, तो मैं हिंदी फिल्मों को इतनी जल्दी ऐसे नहीं नकार सकता। और जहां अभी 3-4 बढ़िया फिल्में सुपरहिट आएंगी, लोग अपने आप अपनी भाषा बदल लेंगे। अच्छा सर, आप अब आगे का जो प्लान है आपके दिल और दिमाग दोनों के जरिए, क्या आपका प्लान है कि आगे मैं क्या और इंडस्ट्री को कहाँ और ले जाना चाहता हूँ? देखिए, मैं मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस टाइम तकरीबन 100 से भी ज़्यादा संस्थाओं को चेयर कर रहा हूँ। मैंने नोएडा फिल्म सिटी में तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को लेकर अब तक आ चुका हूँ, शायद ये एक नया रिकॉर्ड फिर बन जाए। तो मैंने 30 साल पहले एक शब्द दिया था फिल्म टूरिज्म का, तब फिल्म टूरिज्म के शब्द को कोई पहचान नहीं पाया था। आज दुनिया का हर मुल्क जो है वो फिल्म टूरिज्म की बात कर रहा है, और अपने इसी शब्द को प्रोत्साहन देने के लिए, इज्जत देने के लिए हम लोग तकरीबन 30 लाख लोगों को नोएडा फिल्म सिटी तक ला चुके हैं। फेज़ 2 की बात चल रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक फेज़ 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि थोड़े सालों में एक फेज़ 2 वहाँ तैयार होगा,
और समय के साथ से बदलना ही बेहतर होता है। हम लोग अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सेटअप को, अपने तौर तरीकों को अपग्रेड कर चुके हैं, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सेटअप हम लोगों ने बना लिया है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा तवज्जो जो है वो स्टूडियो फैसिलिटी पे, फिल्म एजुकेशन पे आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, तो लास्ट अंतिम सवाल कि ये मुझे लगता है कि जब फेज़ टू शुरू हो रहा है तो क्या मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री जिस टाइप की है उस टाइप की दिल्ली या यूपी के किस जेवर में बस सकता है या आ सकता है कभी? क्यों नहीं हो सकते। देखिए, ये मत भूलिए कि 138 करोड़ का ये मुल्क है और मीडिया, फिल्म, टीवी, ये जो है ये सबको लुभाता है। हम लोग सब आकर्षित होते हैं इस बड़े ट्रेड के साथ और काम की ज़रूरत है। आज भी हम लोग दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहे हैं जहाँ तक फिल्म, टीवी, मीडिया की बात आती है। 950 चैनल है, 40,000 न्यूज़पेपर है, 350 रेडियो स्टेशन है और करीब 100 करोड़ मोबाइल है जो आज एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। और एक फिल्म सिटी अगर और आती है तो मुझे लगता है कि पूरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और बहुत सारे लोग जो नए जुड़ना चाहते हैं, इस काम में आना चाहते हैं, उन्हें एक और फिर से नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर आज मैं कह रहा हूं कि करीब 1.5 लाख लोग नोएडा फिल्म सिटी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ चुका है जिनकी रोजी रोटी चलती है, तो आने वाली फिल्म सिटी जो है वो इसी चीज़ को और आगे लेके जाए। 1.5 लाख और लोग जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, और उम्मीद है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे और जो लोग जुड़ रहे हैं काम से और उनको काम मिलता रहे और पूरा देश आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।